नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन के बारे में जो ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन का एक टाइप है जानेंगे इस ऑपरेशन को किस टूल की मदद से किया जाता है और कैसे इसको करते हैं और इसको करने का मेन पर्पस क्या रहता है तो काउंटर सिंकिंग जो ऑपरेशन है इसे हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा स्क्रू है जिसकी जो सेप है अगर आप यहाँ देखें कॉनिकल सेप की इसकी सीट होती है और ये जो कॉनिकल सेप की सीट है वो वर्क पीस में अच्छी तरह से वो सेट हो जाए इसलिए सबसे पहले हम जो ड्रिल बिट है इसकी मदद से एक होल तैयार करते हैं और इसमें अगर हम वुड स्क्रू को इंसर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस स्क्रू का जो कॉनिकल से वो सीट है वो सरफेस से ऊपर रह जाती है तो इसके बाद हम करते हैं काउंटर सिंक टूल की मदद से होल किया जाता है और उसमें क्या है कि होल का जो टॉप पोर्शन है वहां पर एक शॉर्ट डिस्टेंस तक कॉनिकल सेप प्रदान की जाती है कॉनिकल सेप इसलिए प्रदान करते हैं ताकि जो स्क्रू का जो कॉनिकल सीट होती है अपर एंड पर वो इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए तो देखेंगे कि किस प्रकार से जो काउंटर सिंग टूल की मदद से हमने होल बनाया था उसमें जो वुड स्क्रू है वो पूरी तरह से फिट हो गया है और जो कॉनिकल शेप हमने बनाई थी होल की उसमें स्क्रू की जो सीट थी कॉनिकल वो पूरी तरह से फिट हो गई है वर्क पीस सरफेस के बिल्कुल साथ में अगर आप देखें तो इस प्रकार से काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है तो अगर आप देखें जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जो काउंटर सिंकिंग टूल होता है उसे हम ड्रिल चक में इसको होल्ड किया जाता है और वर्क पीस को वर्क टेबल पर क्लैंप कर लिया जाता है और उसके बाद जो काउंटर सिंकिंग टूल है और जो वर्क पीस होता है वो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में लेकर आते हैं फिर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं स्पिंडल रोटेट करना शुरू कर देता है जब स्पिंडल रोटेट करता है तो हमारा काउंटर सिंक टूल भी रोटेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो स्लो स्पीड हमें रखनी है क्योंकि जो स्लो स्पीड है वो सूटेबल रहती है काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन के दौरान और फीड डायरेक्शन अगर आप देखें हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फीड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फिर से हम टूल को लेकर जा सकते हैं तो इस प्रकार हम कहें कि इस ऑपरेशन को करते समय अगर हमें स्मूथ जॉब चाहिए तो हमें कटिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है दूसरी बात जब हम वर्क पीस को वर्क टेबल पर अच्छी तरह से क्लैंप नहीं कर पाते किसी डल टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा स्पिंडल स्पीड का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में जो हमें काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन के दौरान जो होल मिलता है उसका सरफेस रफ हो जाता है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है तो अब बात करते हैं कि जो काउंटर सिंकिंग टूल हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंगल हैं वो कौन कितने हो सकते हैं तो यहाँ अगर आप देखें ये अलग अलग टाइप के काउंटर सिंकिंग टूल हैं ये इसका सैंक पोर्शन होता है जिसे हम ड्रिल चेक में फिट करते हैं और उसके बाद देखें जो स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंगल हमें मिल जो मार्केट में अवेलेबल है साठ डिग्री में अवेलेबल है एट्टी टू डिग्री में नाइन्टी डिग्री हंड्रेड डिग्री वन हंड्रेड टेन डिग्री और वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री ये कुछ स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंगल होते हैं काउंटर सिंक टूल के लिए जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि ड्रिलिंग मशीन पर किया जाने वाला काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे जो काउंटर सिंकिंग जो सीट होती है जो कॉनिकल सीट होती है स्क्रू की या फिर नट की उसको अच्छी तरह से हम वर्क पीस में उसको फिट कर सकें तो एक कॉनिकल सेप प्रदान की जाती है एक ड्रिलिंग होल हम ऑलरेडी जब हम बना लेते हैं उसके बाद इस ऑपरेशन को करते हैं क्योंकि सबसे पहले हम ड्रिल बिट की मदद से एक ड्रिलिंग ड्रिल करते हैं एक होल को फिर सेकेंडरी जो ऑपरेशन है वो काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन होता है तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे